नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ईशा कक्कर महाशाखा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग क्लास का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हम अध्यापक मेरे नाम का मतलब लिखना है वो बजट, उसमें हमने थोड़ा सा देखा कि कैसे लेखक है वो चिंतित हो रहे हैं कि उसके पुत्र और उनके मित्र की लड़की जो है वो बाहर किसी संगीत के प्रोग्राम में गए हुए थे और अभी तक आए नहीं थे और वो उनकी राह देखे बैठे। अब आगे बचपन में दादी नानी जाते जाते पर यह गिरकर जाते, यानी किसी को कोई बाहर जाता था तो वहाँ मेरे घर से बाहर जाने पर विदेश में रहने पर भी ये यह गीत विलह होकर गाती और लौटने पर कहती मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। कहते कि हमारे यहाँ बचपन से ही क्या होता है कि जो कोई विदेश जाता है विश्वविद्यालय
प्रदर्शित हुआ। स्त्री राम ने राजकीय वेश उतार राजकीय रथ से उतरे राजकीय भोग का परिधान किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम बिगे तो बिगे, मुकुट न बिगने पाए इसकी चिंता बन गई। कहते हैं कि अभिषेक की बात चली, फिर मन में अभिषेक हो गया कि राम को जब वनवास सहना था तब उन्होंने राजकीय वेश उतारे, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग यानी कि राजकीय जो सुख थे उसको भी त्यागा। पर उनका मुकुट तो था, उनका जो मुकुट था वो तो लोगों के मन में वैसे ही रहा था। कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे मुकुट न मिल जाए, यानी कि वो तो कौशल्या के मन में भी यह मुकुट था। और कहते हैं कि राम भीगे तो भीगे लेकिन उसका मुकुट न बिगना चाहिए, यानी उसे कोई कठिनाइयां न आनी चाहिए। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न बिगने पाए और अखंड सौभाग्यवती चिंता सीता की मांग का सिंदूर न बिगने पाए। सीता भले ही क्या कहते कि राजा राम का तो मुकुट नहीं बिगना चाहिए, लेकिन कहते कि उसके साथ लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता की मांग भी न बिगनी चाहिए। राम तो वन से लौट आए, सीता को रथ पर फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टे और सिंदूर को बिगने की आकांक्षा अभी भी शाल रही है। कितनी अयोध्या बस्ती उजड़ी पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों पुशो कंकर पत्थर की वैसी ही ताजा थकन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आस्था साधारण गवार आदमी भी नहीं कर सकता है वे राम सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजभार को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल पर कालपुत्री में बंद चीला वर्णी की तरह दिन बिताएंगे। कहते हैं कि राम